जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वकर्मा आर्ट आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से एक पेंटिंग बनाएंगे। आप लोगों ने जो गाड़ियों के पीछे बना हुआ होता है तुम कब आओगे, जिसमें एक लड़की बैठी हुई रहती है और बगल से ट्रेन गुजरता है, तो उसी को मैं आज इस गाड़ी में बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूं। मैं पेंटिंग का काम हमेशा करता रहता हूं, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका का पेंटिंग लेकर के आया हूं। अगर आप चाहें तो इसे अब अपने घर में कॉपी में, पेज में भी बड़े ही आराम से वाटर कलर से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो मैं पीला कलर कर रहा हूँ ये आसमान का सीन बनेगा। स्काई जो है उसको मैं पीले कलर से कलर कर रहा हूँ। ये इवनिंग का सीन बनेगा, संध्या शाम का समय का सीन बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो स्काई का जो आसमान है उसको पीला कर लेना है। देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है। और एक जो लड़की बैठी हुई रहती है, पहले उसको स्केच कर लेना है, और उसके बाद आपको लाल कलर से, रेड कलर से ऊपर ऊपर में थोड़ा सा इस पे जो स्काई का सीन है, ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे हल्का सा मिक्स कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा सूखने के बाद, क्योंकि ये मैं वॉयल पेंटिंग से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा सूखने में समय लगता है, सूखने के बाद फिर से थोड़ा सा रेड कलर को इस पे मैं मिक्स करूँगा दोनों साइड से। बीच में एक जो डूबता हुआ सूरज होता है तो वो बिल्कुल लाल कलर का होता है, आप देखे होंगे जो डूबता हुआ सूरज होता है वो बिल्कुल लाल कलर का होता है। उसके बाद मैं साइड से, दोनों साइड से फिर से लाल दे करके थोड़ा सा वाइट, जो बादल होते हैं संध्या के समय में जो थोड़ा से बादल होते हैं, और जो पूरा आसमान रेड कलर का होता है, ऑरेंज कलर का आप बोल सकते हैं, तो उसी का इफेक्ट मैं दे रहा हूँ। थोड़ा सा बादल जो रहेगा, बिल्कुल सिंपल है, बस ब्रश में वाइट कलर उठाना है और इसमें मिक्स कर देना है। वो थोड़ा सा ऊपर उठा करके नीचे से मिक्स कर देना है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से आज मैं आप लोगों को इसीलिए ये पेंटिंग लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप लोग को ये बहुत ही आसान लगेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके की पेंटिंग है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो इस पेंटिंग को आप बना लेंगे। तो देख लिया आपने कि आसमान का सीन मैंने, जो स्काई का सीन है वो कैसे बनाया। अब ये जो मैं नीचे बना रहा हूँ ये पुल बन रहा है, इसके ऊपर से ही जो ट्रेन है वो गुजरेगी, तो ये मैं पुल को बना रहा हूँ, जो ब्रिज होता है। तो ये जो पुराने ज़माने का मैं ब्रिज बना रहा हूँ, क्योंकि सीन है तो थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे, तो इसको भी सिंपल पीला कलर से रंग देना है दोनों दो। उसके बाद थोड़ा सा ऑरेंज इसमें मिक्स करके, और ये जो मैं ब्लू डाल रहा हूँ ये पानी का इफेक्ट है, क्योंकि ब्रिज वहीं बनता है जहाँ पे पानी होता है, तो ये पानी का इफेक्ट है। उसके बाद थोड़ा सा वाइट मिक्स कर देना है, लाइट और डीप, ये दो चीज़ का ध्यान रखना है कि कलर में जो भी आप पेंटिंग बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, तो लाइट और डीप ये दो चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं ये छोटे छोटे दो माउंटेन, छोटे छोटे जो पहाड़ बना रहा हूँ, तो डार्क ब्लू कलर से रंग देना है। लेकिन सिंपल है, बिल्कुल आसान, ये ब्लू कलर से मैंने इसको आराम से रंग देना है, ब्लू कलर लेकर के। ये वॉयल पेंटिंग है लेकिन आप इसको वाटर कलर से भी बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा वाइट लेकर के एक तरफ से इसको हल्का सा मिक्स कर देना है, ताकि जो इफेक्ट हो वो नज़र आए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लाइट और शेड, ये दो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा वाइट देना है इसमें, और थोड़ा सा ये दूर का जो पहाड़ है आप लोग देखने ले देख सकते हैं कि ये कैसे इफेक्ट इसमें नज़र आने लगता है। थोड़ा सा वाइट दे देना है इसमें, यह बादल जैसा, पहाड़ जैसा दिखने लगा। अभी पहाड़ के नीचे थोड़ी सी ज़मीन है, उसको भी, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया ये इवनिंग का सीन है, तो सब कुछ ऑरेंज ऑरेंज टाइप का लगना चाहिए, ताकि वो जो इफेक्ट, जो आसमान का इफेक्ट है वो सभी जगह पे पड़ रहा है। तो ये थोड़ी सी ज़मीन है उसको मैं पीला करके इसको भी ऑरेंज से, और थोड़ा सा वाइट दे करके इसको
मिक्स कर दिया। अब मैं ये ट्रेन बना रहा हूँ। देखिए बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल है। ट्रेन देखिए आप कैसे बन रहा है। ट्रेन की जो बोगियाँ होगी उनको ब्लू कलर से मैं बनाऊँगा और वो जो इंजन होगा उसको मैं ऑरेंज कलर से बनाऊँगा। देखिए कैसे सिंपल तरीके से ये जो ट्रेन की बोगियाँ, पीछे दो तीन बोगियाँ बनेंगी और आगे इंजन ऑरेंज कलर का बनेगा। अब ये ब्लू देने के बाद, बहुत ज़्यादा कलर मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, लाल, ब्लू, हरा, पीला और काला, मात्र 5 कलर से ही ये पेंटिंग बनेगी। उसको थोड़ा सा ऊपर से वाइट दे देना है, वो इंजन की जो इफेक्ट है, जो बोगियों का जो इफेक्ट है उसको देने के लिए थोड़ा सा ऊपर से वाइट दे देना है। उसके बाद मैं जो इंजन है उसको ऑरेंज कलर से बनाऊंगा। ये थोड़ा सा सिंपल है दोस्तों। पेंटिंग अगर आप ठान लिए कि हमको बनाना है तो पेंटिंग बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। लोग आपको बताते हैं कि पेंटिंग मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस आपको कलर को समझना है, कलर कहाँ क्या कौन सा कलर यूज करना है उसको आपको समझना है। पेंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ये जो मैं इंजन बना रहा हूँ, देखिए मैं इसलिए इस पेंटिंग को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया कि सिंपल तरीके से आप कैसे बना सकते हैं पेंटिंग। ये जो गाड़ियों के पीछे बनी होती है पेंटिंग, आप लोग सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा समय लगता होगा। मैंने वीडियो को स्किप भी नहीं किया है और थोड़ा सा वीडियो को मैं फास्ट ज़रूर किया हूँ पर स्किप नहीं किया हूँ। ये पूरी पेंटिंग लगभग 20 मिनट में ये पूरी पेंटिंग बन गई है, क्योंकि पूरी गाड़ी को रंगना पड़ता है। आप लोग बगल में भी देख रहे होंगे, ये पूरी गाड़ी को सजाना पड़ता है। तो अगर मैं ज़्यादा समय लूँगा एक पेंटिंग बनाने में तो एक गाड़ी को मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तो आप लोग देखिए कैसे इंजन बन गया, उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं वाइट दे करके उसका इफेक्ट को निखार दूंगा। ये थोड़ा सा इफेक्ट दे दिया वाइट कलर का। अब ये जो लड़की बैठी हुई है बगल में किनारे, उसकी जो कपड़े को मैं रेड कलर से और वो जो लड़की ब्लाउज पहनी है उसको मैं ब्लू कलर से पेंट करूँगा। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, सिंपल कलर है, लाल, ब्लू, हरा, पीला और अंत में काला। ये देखिए ये सिंपल तरीके से इसके कपड़े को मैंने रंग दिया। ये पहला पैर और ये दूसरा पैर, ये देखिए। अब थोड़ा सा वाइट उठाना है और थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए वाइट को, ये देखिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा वाइट का इफेक्ट देने के लिए थोड़ा सा और वाइट लगेगा इसमें, थोड़ा सा और वाइट दे करके कर लेना है। और उसके बाद ये इसके ब्लाउज को ब्लू कलर से रंग देना है। देखिए ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको, इसके ब्लाउज को मैंने ब्लू कलर से रंग दिया। अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा सा कोई भी सीन में जब पेड़ पौधे ना हो तो वो सीन अधूरा होता है, वो लैंडस्केप अधूरा होता है। तो ये थोड़ा सी घास जो होता है, घास और झाड़ियाँ, ये मैं बना दे रहा हूँ, छोटा छोटा घास झाड़ियाँ जिस पे बैठी है ये लड़की, घास पे बैठी है और ये मैं पेड़ बना रहा हूँ। देखिए बिल्कुल सिंपल कैसे पेड़ बनता है, आप लोग देखिए। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि कैसे पेड़ बनाना है, कैसे पत्तियाँ बनानी है, उसकी एक वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। देखिए दो पेड़ हो गया। अब एक पेड़ को थोड़ा सा अलग कलर से, थोड़ा सा रेड में डार्क कर दिया मैंने, जो कि दूर का सीन है। ये कुछ नहीं करना है, बस ये देखिए पेड़ बन गया। अब ब्लैक कलर से ये आउटलाइन निकाल करके, क्योंकि ये पेंटिंग है और गाड़ियों में बनने वाली पेंटिंग है तो इसमें आउटलाइन जो होती है उसका बहुत ही महत्व होता है। अब ये आउटलाइन से ही सारी पेंटिंग का काम होगा। देखिए ये जो ब्रिज है, ये जो ईंट से बनी हुई ब्रिज है, तो देखिए कैसे ये बन रहा है। ये रेलवे, ये ट्रेन बन गया। देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों पेंटिंग। बस आपको मन में विचार करना है कि हमको पेंटिंग बनाना है, और पेंटिंग बनाने से पहले आपको पेंटिंग सोचना पड़ेगा। अगर आपने पेंटिंग सोच लिया, अगर आपने पेंटिंग को कल्पना कर लिया तो आप पेंटिंग बना सकते हैं। कहते हैं कि कलाकार कल्पनाओं में जीता है,
तो ये बिल्कुल सही है, कल्पना करना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा ये कैसे पेंटिंग बन सकती है। ये देखिए ये इंजन बन रहा है, सिंपल बना, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं करना है, बस लगे कि ट्रेन है। ये सिंपल पेंटिंग मैं इसलिए ही आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। और ये जो ट्रेन की पटरियाँ हो गई, जो थोड़े पत्थर होते हैं उसको मैंने दे दिया है। अब ये जो ब्रिज को देखिए कैसे बनाऊंगा, जो पुल है ईंटों वाली पुल, ये सीधे लाइन खींचना है और ईंटा जो होता है ईंट का इफेक्ट इसमें डालना है। ये तो आप लोग इतना सा जानते ही होंगे कैसे उसको बनाना है। तो दोस्तों मैंने कुछ दिनों से वीडियो बनाना बंद कर दिया था, कुछ परेशानियां थी जिसके कारण, लेकिन मैं फिर से अब आप लोगों के बीच कंटिन्यू हूं और इसी तरह का पेंटिंग मैं आप लोगों के बीच लाता रहूंगा। आप लोग पेंटिंग सीख सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये चीज़ें ऐसी है कि आपको बहुत ही सुकून देगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। पेंटिंग बनाने के बाद दिल दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है। ये लड़की का मैं बाल सर बना रहा हूँ, क्योंकि वो अपने सर को दोनों हाथों पे रख के बैठी हुई है, अपने चेहरे को ढक करके। ये देखिए ये इसका बाल बन गया, चेहरा बन गया, ये चेहरे को ढक के बैठी हुई, ये ब्लाउज बन गया और ये इसका नीचे का कपड़ा हो गया है। बस पेंटिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है, आप लोगों को पूरी पेंटिंग दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता हो, पेंटिंग मेरी अच्छी लगती हो, तो कमेंट्स ज़रूर करें, मुझे हौसला मिलता है। और यदि आप और सीखना चाहते हैं या किसी प्रकार का और पेंटिंग आप सीखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में बताएं कि इस तरह की पेंटिंग बनाइए, तो मैं बनाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए लगभग लगभग पेंटिंग कंप्लीट। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपसे निवेदन है कि मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।